श्री अकाल तख्त साहिब दे नवे बने जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दा अहुदा रस्मी तौर ते सांभ लिया है। उन्होंने सब तो पहला दस्तार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे वधीक मुख ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह दे वल्लों भेंट की गई। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब विखे SGPC दे वल्लों समागम करवाया गया सी। इस सेवा संभाल समागम दे मौके हरिमंदर साहिब दे ग्रंथी साहिबान सारे तख्तां दे जथेदार साहिबान SGPC प्रधान अते मैंबर दमदमी टकसाल ते होर जथेबंदियां निहंग सिंह जथेबंदियां सिख संप्रदावां ते सभा सोसाइटियां दे नुमाइंदियां दे वल्लों नवें नियुक्त कीते गए जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह नूं दस्तारां भेंट करके आपो अपनियां जथेबंदियां दे वल्लों जथेदार नूं मानता दित्ती गई। इस तों पहलां गुरबाणी कीर्तन गायन कीता गया, अरदास भी हुई। श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह SGPC दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ते अकाली दल दे सीनियर लीडर दलजीत सिंह चीमा खास तौर ते इस प्रोग्राम दे विच पहुंचे हुए सन। SGPC दे सकत्तर प्रताप सिंह ने अंतरिंग कमेटी दे फैसले नूं पढ़ के संगत नूं सुनाया, जिस तहत ज्ञानी रघुबीर सिंह नूं अकाल तख्त साहिब दे जथेदार अते ज्ञानी सुल्तान सिंह नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब दे जथेदार नियुक्त किया गया। SGPC दे वल्लों ज्ञानी रघुबीर सिंह नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे हैड ग्रंथी भी नियुक्त किया गया। इस तों पहलां उह तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार हुंदे सी। रस्मी तौर ते सेवा सांभण तों बाद पत्रकारां दे नाल गल्लबात करदे आं जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि पंथक एकता अज समें दी लोड़ है। इस दे लई श्री अकाल तख्त साहिब तों हर संभव यतन किया जाऊगा। धर्म प्रचार ते अमृत संचार लहर नूं होर प्रचंड किया जाऊगा, तेज किया जाऊगा, जिस नाल धर्म परिवर्तन के मामलों के विच कमी आएगी। जथेदार ने बंदी सिंघां दी रिहाई दा भी सरकार नूं निर्देश दिंदिया कहा कि सिंघां दी रिहाई छेती होनी चाहीदी है। हल जिहड़ा है उह है धर्म प्रचार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहलां भी बहुत यतन किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। धर्म प्रचार की लहर में अमृत संचार जिहड़े ने उह होर लहर नूं प्रचंड किया जाऊगा, साडियां बहुत सारियां चुनौतियां जिहड़ियां ने उह हल हो जाणगियां। सारा कुछ धर्म प्रचार करने के नाल धर्म परिवर्तन भी जिहड़ा हो रहा है वह भी उहदे विच काफ़ी वड्डी ग्रोथ जिहड़ी है वह आएगी। देखते हैं सत सिंह नाल सलाह करके। इस मौके जथेदार ने सारी सिख कौम दा धन्नवाद करदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों दाढ़ी नूं लै के कीती टिप्पणी नूं मंदभागा करार दित्ता ते इस बारे CM नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे तलब करन वाले सवाल ते कहा कि सिंघ साहिबाना दे नाल विचार करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब सरकार दे गुरबाणी एक्ट बारे कीती कारवाई नूं गलत दसदिआं जथेदार ने पंजे तख्तां दे जथेदारां दी मीटिंग बुलाए जाण दा भी ऐलान कर दित्ता ते कहा कि सरकार नूं इंतजार करना चाहीदा सी, पंजाब सरकार SGPC ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ इस मौके SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी संगत नूं संबोधन करदिआं जथेदार रघुबीर सिंह नूं वधाई दित्ती अते कहा कि गुरु साहिब जथेदार साहिब नूं चुनौतियां दे नाल लड़न दी ताकत बख्शण। अज तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी ने जथेदार दी सेवा ते संभाल सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह जी ने सांभी आ। गुरु साहिब ने कृपा कीती, पंथ ने सारे ने ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਤੌਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ
रोटियां सेकण दा इल्जाम लाया दावा किया कि पीडीसी चैनल नाल उन्हां दा कोई निजी सरोकार ही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नूं सवाल करदिआं कहा कि दिल्ली दे विच तुहाडे लाला जी प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्ल दी रिहाई दे हुक्मां ते हस्ताक्षर क्यों नहीं करते। डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद सिंघां दे मसले ते वी धामी ने सीएम नूं घेरिया। एसजीपीसी प्रधान नूं कार्यकारी कहण ते धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उन्हां ते सवाल चुकण वाले कौन हुंदे ने, ओह जे श्रोमणी कमेटी दे प्रधान हन तां केंद्रीय कानून दे मुताबिक हन। फिर नाल दाड़ी बन्नी आ ते कदे खोली आ ते नाल एक्टिंग करके दसदे आ। मैं पुछदा ये उस पवित्र गुरु नानक देव पातशाह की गुरबाणी का ओहदा निरादर तां नहीं कि साबत सूरत दस्तार सिरा इन्हों तो साबत सूरत कोई नहीं। तो दस्तारा भी सजाइया वो दस्तारा भी दिखाने सजाइया आ थले केस है नहीं। मैं समझना बड़ी बड़ी नहीं उसने लंघना की आ गुरमत की लंघना की घर घर कह के ये गल कहनी कि असी घर घर च गुरबाणी पहुँचावे असी भी पहुँचावे असी सारा तय किया आ। तो सिंह साहब ने एक आदेश इन्हों भी किया कि जेडे बंदी सिंह आ पंजाब की सरकार ये भी छड़ाओ तो मता उस असैम्बली लै आते जे जुड़ते हैं फिर उत्थे क्यों नहीं मता लिया।